फॉलोइंग दी मेट डिपार्टमेंट एडवाइजरी, वेदर एडवाइजरी, जिसमें वेदर अलर्ट इश्यूज हुए थे कल रात को, तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिव मोड में आ गई और हमने अपने तहसीलदार्स को डायरेक्शंस दी टू कीप देमसेल्व्स इन अ रेडी मोड टू मीट एनी इवेंचुअलिटी ऑन फ्रंट ऑफ हेवी रेनफॉल्स। अभी तक जो रिपोर्ट्स हमें रिसीव हुई हैं अपने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में, उसमें किसी डैमेज की रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ रोड्स को रेनफॉल की वजह से डैमेज हुआ है, जिसके शॉर्ट टर्म मेजर्स हम फिलहाल कर रहे हैं। पिछले हफ्ते की रेन्स और कल से जो बारिशें शुरू हुई हैं उसकी वजह से द वाटर लेवल ऑफ रिवर चनाब हैज़ रिजन एबनॉर्मली। मैं आज सुबह काउबाग के एरिया में और झूला ब्रिज मैथरा साइड के एरिया में भी गया, जहां मैंने वाटर लेवल का खुद जायज़ा लिया। वी रिसीव रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम बगलियार अलॉन्ग विद द एडवाइजरी कि आप लोगों को पब्लिक नोटिस इशू करें ताकि वो रिवर बैंक्स के करीब ना जाएं, ख़ास तौर से लो लाइंग एरियाज़ में। मैंने कंसर्न तहसीलदार्स को अलॉन्ग साइड रिवर चनाब स्टैंडिंग डायरेक्शंस इशू की हैं कि वो लोगों को इन्फॉर्म करें कि वो रिवर बैंक्स के करीब ना जाएं इन व्यू ऑफ दी वाटर लेवल राइज इन रिवर चनाब। उसके अलावा हमारी जो सिविल QRT की टीम्स हैं उनको भी हमने डिप्लॉय किया है ताकि वो पब्लिक अनाउंसमेंट्स करें और लोगों को रिक्वेस्ट करें कि वो विजिलेंट रहें। जैसे कि आपको पता है कि जो मेट एडवाइजरी है वेट स्पेल की, वो आने वाले 2 दिनों के लिए है, कल से 3 दिन के लिए थी, और इस वक्त भी वेदर काफ़ी क्लाउडी है, पैक्ड है और इंटरमीडिएट रेन्स भी हो रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक मरतबा फिर रामबन के तमाम सिटीजन्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इल्तिजा करता हूँ कि वो किसी भी सूरत में वाटर बॉडीज़ के, चाहे वो रिवर चनाब हो या हमारा बिचलेरी नाला है या खड़ी नाला है या छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उनके करीब ना जाएं, बिकॉज देर इज़ अ रिस्क ऑफ फ्लैश फ्लड्स इन व्यू ऑफ इंसेसेंट रेन्स। मड स्लाइडिंग के भी चांसेस होते हैं, लैंड स्लाइड्स के भी चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ भी खतरे में पड़ेंगी। साथ ही साथ हमने एक मीटिंग भी की है SSP ट्रैफिक के साथ, SSP रामबन के साथ। हमने NHAI वालों को भी इन्फॉर्म किया है कि वो नेशनल हाईवे 44 पे सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लें, जिसकी वजह से इफ देर इज़ एनी चांस ऑफ वल्नरेबिलिटी टू अ लैंडस्लाइड। तो होपफुली द वेदर जो इस वक्त थोड़ा पैक्ड है गेट इम्प्रूव्स एंड वी आर एबल टू रिकवर फ्रॉम द प्रेजेंट वेदर पैकिंग सिचुएशन। मॉर्निंग में हमने जो एडवाइजरीज इशू की थी उसमें लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन के लिए हमने चीफ एनिमल हस्बेंड्री और चीफ और डिस्ट्रिक्ट चीफ हस्बेंड्री ऑफिसर को भी डायरेक्शन दी थी कि वो जो हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं उनको भी एक एडवाइजरी इशू करें ताकि वो अपने शीप को, अपने कैटल लाइफ स्टॉक को प्रोटेक्ट करें। तो